आज मैं लेकर आई हूँ कुकर पनीर की एकदम अनोखी रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगी और बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी और उसके बाद मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद इस पनीर की सब्जी को ना आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर से कर देंगे, क्योंकि इसका बनाने का तरीका ही इतना ज़्यादा आसान है और इतना ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होती है सब्जी। तो चलिए फिर एकदम यूनिक स्टाइल की ये कुकर पनीर की सब्जी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मटर पनीर की सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीब 7 प्याज छिले हुए, 5 टमाटर और करीब 200 ग्राम लहसुन यहाँ पे छिले हुए लिए हैं मैंने। और यहाँ पे 3 चम्मच मैंने लिया है एवरेस्ट का मीट मसाला। स्वादानुसार यहाँ पे हम नमक लेंगे, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, तीखी हरी मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च लिए हैं बारीक कटे हुए। यहाँ पर प्याज और टमाटर को हम ऐसे ही रफली काट लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, क्योंकि ये मटर पनीर की सब्जी मैं ज़्यादा बना रही हूँ। आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो ज़्यादा लोग हैं आज घर पे। तो यहाँ पर गैस पे मैंने रखा है कुकर, जिसमें मैंने डाला है 3/4 कप सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो उस तेल में सब्जी को बना सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और जो हरी मिर्च कटे हुए थे उसे डाल देंगे, लहसुन को डाल देंगे, टमाटर को भी डाल देंगे और प्याज को भी डाल देंगे। यहाँ पे हमें सारी चीजें बस एक साथ ही डाल देनी है। बताया ना, सब्जी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी फ्राई नहीं करना है, सब चीज हमें बस एक साथ इसमें डाल देनी है। यहाँ पे हम मसाले भी साथ ही साथ डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया तीखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पे जो हमने एवरेस्ट का मीट मसाला लिया था उसे भी डाल देंगे, साथ ही साथ नमक भी डाल देंगे। और इसे हमें मिक्स भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसका ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें हम कम से कम 3 सीटी आने देंगे। जब तक इसमें सीटी लगती है तब तक हम कर लेते हैं अपना दूसरा काम। तो यहाँ पे मैंने लिया है 600 ग्राम पनीर और छिलके के साथ वजन में लगभग 600 ग्राम ही यहाँ पे मैंने मटर भी लिया था, जो कि छिलने के बाद अब कम हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमें पनीर को कट कर लेना है कुछ इस तरह से। आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे बड़े अपने पसंद के हिसाब से इसे काट सकते हैं। अब हमें यहाँ पे हल्का सा पनीर को भी फ्राई करना है और मटर को भी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, लगभग 5-6 चम्मच है और तेल गर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें पनीर को और लो फ्लेम पे ही इसे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें इन्हें बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर पनीर ज़्यादा फ्राई हो गए तो थोड़े से खाने में हार्ड लगेंगे, मतलब खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हल्के से जो इसमें ब्राउन कलर आया है ना, बस इतने तक ही इसे फ्राई करना है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। इसी बचे हुए तेल में हम फ्राई करेंगे मटर को। तो मटर को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, यहाँ पे लगभग 70-80% ही ये पकने चाहिए। तो इसे हल्का सा इस तरह से मिक्स करेंगे और बाकी यहाँ पे ढक देंगे 1-1.5 मिनट के लिए, चेक कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे मटर को हमें जितना फ्राई करना था, मतलब जितना कुक करना था, ये हो चुके हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ढक देते हैं। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रेशर कुकर को। यहाँ पे 3 सीटी लग गई है और इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए प्याज, टमाटर और सभी मसाले आपस में अच्छे से घुल मिल भी गए हैं और अच्छे से कुक भी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इन्हें करछी से ही मैश करना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है, जबकि यहाँ पर मसालों को हमें घंटों तक भूनना भी नहीं पड़ा है। तो अब यहीं पर हम इसमें डाल देंगे अपने भुने हुए पनीर और मटर को, मिक्स कर लेंगे इन्हें अच्छे से। जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप के करीब पानी डाला है, बाकी अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसमें 2 सीटी हमें लगानी है मीडियम हाई फ्लेम पे। प्रेशर कुकर का यहाँ पे प्रेशर निकल गया है और मैं आपको यहाँ पे चेक कराती हूँ। है ना, बिना मेहनत की बहुत ही ज्यादा लाजवाब ये मटर पनीर की रेसिपी, कुकर पनीर की रेसिपी। अब इसमें हम आखिर में डाल देंगे धनिया पत्ती और चाहे तो आप इसे थोड़ा सा और रुक के सर्व करेंगे ना, तो ये खाने और देखने दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, तो है ना बहुत ही लाजवाब सी सब्जी। यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। जितना आप ज़्यादा मेहनत करके पनीर की सब्जी बनाते हैं ना, तो ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल कम मेहनत में बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी।
और उसके बाद आप मेरे इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।